एक बारी दी गल है, एक बंदा गुरु जी का लंगर चलांदा सी। उत्थे अमीर ते गरीब दोवें इकट्ठे बैठ के प्रशादा छकते सन। पर उस बंदे नूं कमंड होण लगा कि मैं सब नूं प्रशादा छकांदा हाँ, मेरे करके ही ये लोग सारे खाना खांदे है। उह सब नूं कहिंदा, मेरे इत्थों कोई भी भुखा नहीं जाएगा, मेरे पूरे भंडारे भरे हुए है, जिन्हों जिन्ना खाना है उन्ना खाए, मेरे राह च कोई भी भुखा नहीं रहेगा। उहदा कमंड समें दे नाल वधदा गया। एक दिन वह सुत्ता होया सी ते उहदे सुपने विच गुरु महाराज जी ने दर्शन दिते ते सपने विच ही उहनूं अपने नाल किते दूर पहाड़ां वल लैके जाण लगे, जिथे साह लैणा वी औखा सी। उत्थे जाके गुरु जी ने कहा, हुण इस जमीन नूं खोद। उह बंदा जमीन नूं खोदण लगा तो उहने देखिया उहदे विच इक वड्डा पत्थर सी। ते गुरु जी दी आग्या अनुसार उहने उस पत्थर नूं चुकिया ते बाहर कढ दित्ता। तो वह देख के हैरान रह गया, उत छोटी छोटी चींटियां खाना खा रही सन। तद गुरु जी ने कहा, तू तो सबन रोटी खुवादा है, हूँ दस इन्हों रोटी भी तू दिती है। यह सुन के उन्होंने एहसास होया कि मैं कौन होना है किसी कुछ खवाण वाला। इस धरती से जो कोई भी कुछ भी खाता है वह अपने नसीब का खाता है, तो परम पिता परमात्मा उन्होंने खवाते हैं। इसलिए एवें ही मैं ना कराया करो, बल्कि उस परमात्मा का शुकराना कराया करो कि उन्होंने तुहानू इस लायक बनाया है कि तुसी किसी नू कुछ भी खवा सको। वो लंगर च दिती गई रोटी नहीं, वो प्रसादा है, प्रसादा। और प्रसादा वंड के ही खादा जाता है, कल्या नहीं खादा जाता। जे तुहानू इह वीडियो चंगी लगी है तो इहदे थले कमेंट विच मैनू वाहेगुरु जी जरूर लिखना, और इस वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, खासकर उन्होंने लोगों तक जिहड़े एवें कमेंट करते रहते हैं, मैं इहनू खवाया, मैं उहनू दिता। और मेरे चैनल नूं तुसीं वी हुण सबसक्राइब करना ना भुलना, ताकि मेरी वीडियोज़ नोटिफिकेशन तुहाडे तक आंदी रहे।